वो दीदी ने जो कहा क्या अक्षरा भूल जाइए उस बात को, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हैं? कोशिश की थी मैंने पर फिर कल जो हुआ वो क्या? नैतिक को कल फिर यश गया था वहाँ और बहुत लेट। आज सुबह माँ से बात हुई तब पता चला मुझे। बहाना यही था कि अनन्या को छोड़ने आए हैं, पर अनन्या के ऑफिस की पार्टी यश के घर के पास थी ही नहीं। अब ये बात घर वालों के ध्यान में तब नहीं आई, बाद में आई। समझ में तो आ ही जाता है ना। मुझे लगता है नैतिक टिब्बू और अनन्या को भी इस बारे में पता है। हो सकता है अक्षरा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। दीदी को तो किसी तरह हम समझाएंगे संभाल लेंगे, पर रुक्मिणी आंटी अगर उन्हें पता चला ना नैतिक तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। एक काम कीजिए नैतिक, ये डांस क्लास के बाद ना मुझे घर छोड़ दीजिएगा, माँ के घर। जी। बेटा एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, जब भी डांस करेंगे तो दिल से डांस करेंगे, पूरी खुशी के साथ। ऐसा समझ लो जैसे आप लोगों को कोई देख ही नहीं रहा है, और बिना हेजिटेशन के दिल से खुशी के साथ डांस करो। ठीक है, चलो फिर से करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ता ते ता ता ते आ। ठीक, क्या हुआ, लाइट कैसे चली गई? आपने किया ना, क्योंकि आपने, मैं तो बस हेल्प कर रही थी और क्या। ये बच्चा, ये कैसी हेल्प थी? अभी टीचर ने तो कहा कि ऐसे डांस के वजह से किसी को कुछ दिखे ही ना, तो इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी। बेटा मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैम कैसी हेल्प करती है घर में भी। अच्छा मैं लाइट ऑन करके आती हूँ। लेक्चर मत करना ये। चलो चलो बैठ जाओ। What? हाँ, उन्होंने पूछा और मैं झूठ नहीं बोल पाया, मैंने सब बता दिया। और तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? I mean, what was her reaction? थोड़ा अपसेट हुई थी, but I'm sure मैं उन्हें समझा लूँगा। Actually बुआ बहुत sorted है, I'm sure उनको कुछ problem नहीं होगा। I don't think कि इसमें किसी को भी कोई problem होना चाहिए, because ये हमारा decision है ना यश, कि तुम और मैं date कर रहे हैं, इसे किसी और को क्या लेना देना। And वैसे भी you told me कि तुम्हारे mom dad की तो खुद love marriage थी, so why should they object? हाँ, वही तो, but you never know ना कि दादी कैसे react करें और क्या कहें। हाँ, वो एक angle है तुम्हारी love story में जो कभी भी टेढ़ा हो सकता है। ले बेटा, आज दोपहर में खिचड़ी चढ़ा दे, संजू की तबीयत नहीं ठीक है ना, इसलिए ठीक रहेगा। ठीक है, और बाकी सबके लिए? आज हम सब भी वही खा लेंगे। क्यों माँ? बिल्कुल, क्या है कि उसके बगल में बैठकर कुछ और खाएंगे ना तो उसका भी खाने का मन करेगा, इसलिए आज सबके लिए खिचड़ी चढ़ा दे। महाराष्ट्र बहन, मेहमान नवाजी तो कोई आपसे सीखे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे वाह नन्नी दीदी, आपने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। इतनी सालों बाद आप शायद पहली बार अपने आप आई हैं। आज भी जरूरी काम है इसलिए आए हैं हम। क्या बात है रुक्मिणी बहन, सब ठीक तो है ना? जी नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। बहू तुम बात करोगी या मैं करूं? हाँ बेटा बोलो ना, क्या बात है? मैं जो कुछ भी कहूंगी आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं देखो, मैं ही बात करती हूँ। राजश्री बहन, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेहमान आप रखेंगी और उसकी जिम्मेदारी हमारे बेटे पे डाल देंगी आप। मैं कुछ समझी नहीं रुक्मिणी बहन, क्या क्या हुआ, क्या है? अब आप इतनी भी भोली मत बनिए। क्या बात है रुक्मिणी बहन, आप इतनी बेरुखी से बात क्यों कर रही है? माँ प्लीज थोड़ा आराम से बात करिए। रहने दे, तू मुझे मत सिखा। आप खुल कर कहिए ना रुक्मिणी बहन, बात क्या है? हाँ हाँ, जब इतना सब कुछ खुल के हो रहा है तो मुझे भी तो खुल के बात करनी पड़ेगी ना। जब आपने करने में लिहाज नहीं रखा रिश्ते का, तो मुझे कहने में क्यों रखना चाहिए? माँ हद करती हो बहू तुम भी, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के भले की बात कर रही हूँ और तुम बात करने दो मुझे, तो अच्छा खासा लड़का हाथ से निकल जाएगा। और आप क्यों रखा उस लड़की को अपने घर में, क्या लगते हैं वो आपकी? उस लड़की की वजह से हमारा लड़का हमसे, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी झूठ बोल रहा है। हमारा यश तो भोला वाला बच्चा है, इसी लड़की ने फंसाया अपने चक्कर में उसे, और इस लड़की के चक्कर में वो अपनी जिंदगी खराब कर लेगा। अरे
उस फिरंगन के चक्कर में आप लोग भी फिरंगी हो गए क्या? इतनी क्या डील देके रखी उस लड़की को कि वो लड़की पूरे उदयपुर शहर को विदेश बनाने में तुली है? नहीं नहीं देखिए रुक्मिणी बहन, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, बच्चे सिर्फ अच्छे दोस्त है। राजश्री बहन, बेवकूफ नहीं है हम लोग, सारी दुनिया देखी है हमने, वो लोग दोस्त नहीं है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम। और ये सारा चक्कर उसी लड़की का है। कैसी बातें कर रही हैं आप रुक्मिणी बहन, किसी की बेटी के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। सॉरी आंटी, पर माँ जो ये बात कह रही है वो गलत नहीं है। यश और संजू सिर्फ दोस्त नहीं है, और ये बात यश ने खुद मानी है। हो गई तसल्ली आप लोगों को? सुन लिया अपने कानों से, क्या और कुछ बाकी रह गया है? जानती थी, अच्छी तरह से जानती थी, पकड़े जाने के बाद ऐसी ही भोली शक्लें बनाएंगे आप लोग। अरे आप लोग भी तो लड़की वाले हैं ना, ऐसे संस्कार होते हैं कि किसी भले घर के, कि कोई भी लड़का लड़की कभी भी मिले, बात करे, किसी के घर में आए जाए, जब ये लड़की बीमार है तो इतना बड़ा घर है, घर का कोई सदस्य उसे ले जाता डॉक्टर के पास, या तो वो नक्श है ना, उसकी दोस्त है, वो ले जाता, पर नहीं, यश को ही जाना था। इसी को कहते हैं जानबूझ के बढ़ावा देना। रुक्मिणी जी, हमने आपसे पहले भी कहा है, हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। बस बस रहने दीजिए, अब ये सब नाटक मत कीजिए। रुक्मिणी बहन, आप ऐसे चिल्ला के क्यों बात कर रही है? ये बातें आराम से भी तो हो सकती है। वाह, आप लोग तो बड़े संस्कारी बनते हो ना, पर ऐसी गंदी बातों को बढ़ावा देते हैं। बस कीजिए आंटी। आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं सबसे? इस तरह से तो किसी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। और दीदी, मैंने आपसे कहा था ना मैं बात करती हूँ, फिर आपने उससे पहले क्यों बात की? मैंने भी तुमसे कहा था ना अक्षरा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ तो मैं बात करने ही आई थी दीदी, पर आप तो उससे पहले ही आ गई। इस तरह से बात करने से कोई हल नहीं निकलेगा आंटी, को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। पर उन्होंने जो भी कहा वो गलत नहीं था। दीदी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं सही ढंग से सबसे बात करती हूँ, आप प्लीज मुझे मौका दीजिए, मैं इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालूंगी। माँ रहने दीजिए, चलिए यहाँ से, अब इस मैटर को यही सुलझाएगी। और हाँ अक्षरा, तुम भी तो एक बेटे की माँ हो ना अक्षरा, जो भी फैसला लेना ये सोच समझ के लेना कि अगर यश की जगह नक्श होता तो तुम क्या करती। आइए माँ। मैं दीदी और आंटी की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। कैसी बातें कर रही है तू, पागल हो गई है क्या? रुक्मिणी बहन को क्या हम नहीं जानते हैं? बस उन्हें तो मौका चाहिए बात का बतंगड़ बनाने का। नंदिनी दीदी कभी भी ऐसी नहीं थी, पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया। अचानक से नहीं जसमीत, वो मुझसे कब से कह रही है कि बात करो पता लगाओ, पर मैंने सोचा कि बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि उसका ये नतीजा होगा। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए आंटी की वजह से आप सबको इतना। अक्षरा बेटा तू चिंता मत कर, हमें ऐसी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। नक्श भैया करूँ बहुत अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा तो है, और प्रैक्टिस जल्दी करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर भाई आ गए ना तो कार पकड़ के बाहर निकालेंगे हमें। दादी आप भी आके हमारे साथ डांस करो। नहीं नहीं मुझे नहीं आता। अच्छा शादी
वेरी गुड वेरी गुड. प्रैक्टिस चल रही है, अब मुझे शुरू से दिखाओ. चलो चलो. ओके. सॉरी. कोई बात नहीं प्रिंसेस, अगर तुम भूल भी गई कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. और हाँ नायरा, हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो फिर भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता. और गायु तो साथ में डांस कर रही है ना, उसे फॉलो कर लो ना नायरा. I'm sorry. मेरी वजह से आप सब लोगों को इतना सब कुछ सुना के चले गए. वैसे भी मैंने क्या गलत किया जो आप लोग सुन रहे थे? हमें सच पता होता तो उस तरह से बात करते हम, लेकिन तूने तो हमें कुछ बताया ही नहीं. हाँ, क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं थी ना. ये सब कुछ इतना नया नया है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं आप लोगों को क्या बोलूं. I didn't know कि आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे. और वैसे भी हम लोग तो सिर्फ डेट कर रहे हैं ना, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं. It's not a big deal, नानी. कितना कॉमन है ये. I just don't understand. और आप लोगों के घर में भी तो है ना, एक जसमीत मामी, वर्षा मामी, उधर भी नमन चाचा और यश के पेरेंट्स. So, what's the big deal, नानी? उनकी बात अलग है, वो लोग उस उम्र में थे संजू जब वो ये फैसला ले सकते. हाँ, बट हम लोग भी छोटे नहीं है ना, we are grown-ups. उतने बड़े भी नहीं हुए हो तुम लोग. हम सरकार चुन सकते हैं, तो अपना डेटिंग पार्टनर तो चुनने का राइट रखते ही है ना नानी. इफ इट वर्क्स आउट इट्स फाइन, एंड इफ नहीं कुछ हो पाया तो अलग हो जाएंगे. बिग डील. हमारे घर में इन सब चीजों को सीरियसली लिया जाता है. डैड का कॉल है. एक्सक्यूज मी, इट्स अर्जेंट. ये सारा काम ना कल शाम तक खत्म हो जाना चाहिए हर हाल में. अरे इतनी जल्दी ना हो सकेगा साहब. करना तो पड़ेगा भैया, चाहे जो हो जाए. मेरे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं है. तो मजदूर ज्यादा मंगाने होंगे और लागत ही बढ़ जाएगी. अगर आपको मंजूर है तो बताओ, हम बुलाते हैं. ठीक है, बुला लीजिए. क्योंकि कृष्णा तो उसी दिन खुलेगा जिस दिन का तय हुआ है. ठीक, बुलाता हूँ. क्या? हाँ, मेरी जैज से बात हो रही थी. अच्छी, मुझे कुछ डिजाइनर कर्टेंस चाहिए अपने इवेंट के लिए, तब मैंने उसे कॉल किया था. तो बातों बातों में उसने मुझे बता दिया. बेचारी बहुत परेशान थी. नंदिनी ने ऐसा कहा आवाज आके, मैं अभी बात करती हूँ उससे. नहीं भाई माँ, अभी रहने दीजिए. पहले अक्षर आ जाए, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या बात है, उसके बाद देखते हैं. दीदी ऐसा कैसे कर सकती है? हमारी बात और है, लेकिन वहाँ उनके घर जाकर ये सब कहना, और वो भी माँ और दादी से, उन्हें कितना बुरा लगा होगा. दीदी ने तो कुछ नहीं कहा, जो सुना रही थी बस रुक्मणी आंटी सुना रही थी. नंदिनी चाहे तो उसे रोक सकती थी ना. हाँ, और अगर ऐसी कोई बात थी भी तो वो हमसे पहले बात कर लेती ना. वहाँ बहू के मायके जाके इतना सब कुछ कह दिया, गलत है ना ये. उन्होंने तो रिश्ते का लिहाज करके सब चुपचाप सुन लिया होगा, लेकिन उन्हें बुरा तो लगा ही होगा ना. और बहू को कितना बुरा लगेगा. ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप भाभी माँ, इसमें आपकी क्या गलती है? तूने रोका क्यों नहीं उसे बहू? बहुत गलत किया उसने. भाभी माँ वो खुद भी बहुत परेशान थी. नहीं नहीं दे बहू, मत कर उसकी तरफदारी. मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ भाभी माँ, सच कह रही हूँ. अगर खुद को उनकी जगह रख कर देखो ना तो समझ में आता है. उन्होंने मुझसे कहा भी था पर मैंने. नंदिनी बिटिया ने तुमसे बात की थी ना, तो फिर शिकायत भी तुम्हीं से करती. इस कदर तुम्हारे मायके चले जाना नंदिनी का, ये ठीक नहीं. और रुक्मिणी बहन भी ना, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देती है. आंटी ने ठीक नहीं किया, अगर आप लोग कहें तो मैं बात करूं उनसे. नहीं नहीं नैतिक, उससे बात और बढ़ेगी. वो तो राजश्री बहन का परिवार समझदार है, इसलिए ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, वरना बात आगे भी बढ़ सकती थी. मुझे लगता है हमें सबको जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए. नहीं छोटी माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है. उससे भी ज्यादा जरूरत किसी और चीज की है बहू. पागल हो गए बहू तो. अरे उनकी गलती हम क्यों माफी मांगेंगे? नहीं माँ, मुझे लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई. कितना कुछ बोलकर आए हैं हम उन्हें, और अब तो मुझे लग रहा है उन्हें सच में कुछ नहीं पता था. उन्होंने कहा और तूने मान लिया. माँ, नंदिनी, ये क्या हरकत की आप लोगों ने? क्यों गए आप लोग अक्षरा भाभी के मायके?
लो, बेटे ने पट्टी पढ़ा दी बाप को। मुझे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई है, मेरा दिमाग है, काम करता है। अगर दिमाग होता तो हमें नहीं समझाता, अपने बेटे को समझाता। अरे उस तिरंगन के चक्कर में बिगड़ा जा रहा है तुम्हारा बेटा। माँ बात का बतंगड़ मत बनाइए प्लीज, वो कोई हाथ से निकला नहीं जा रहा है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो उसमें हर्ज क्या है? मोहित क्या आपको सच में लगता है कि नंदिनी आप अपना वक्त भूल गई क्या? मोहित हमारी और उनकी उम्र में फर्क था, हमने जब शादी की थी तो अरे वो कल थोड़ी शादी करने वाले हैं। देखिए मुझे अपने बच्चों की सोच पे पूरा भरोसा है, जो भी फैसला लेंगे ना सोच समझ के लेंगे। बड़ा सोच समझ के लेंगे, तुझे भी अच्छी तरह से पता है और मुझे भी, ये सब नक्श की देखा देखी हो रहा है। उसे बिजनेस करना है और इसे यश, उस लड़की की वजह से यश हमसे झूठ बोलने लगा है। जब यश झूठ बोल रहा है तो आप यश को डांटिए ना, उस लड़की को, और साथ में अक्षरा भाभी के मायके वालों के साथ ये बात नहीं करनी चाहिए थी आपको। आपने गलती की है, माफी मांगिए उनसे। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, तू तो उन्हीं की वकालत करेगा ना। बड़ा आया हमें कहने वाला माफी मांगो। आप समझने की कोशिश। राधे कृष्ण। माँ पापा आप लोग आइए बैठिए ना। ये क्या बात हुई नंदिनी, तूने बहू के मायके जाके इतना सब कुछ सुना दिया। अगर तुझे किसी बात से परेशानी थी तो एक बार हमसे तो बात कर ली, वहां जाने की क्या जरूरत थी? ऐसा लगाओगा राश्री बहन को और उनके पूरे परिवार को, तूने हमारा और तेरी भाभी का जरा भी मान नहीं रखा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप मेरी भी तो बात सुनिए, मैंने अक्षरा से इसके बारे में बहुत दिनों पहले बात की थी और उससे कहा था कि अगर वो जल्दी कुछ नहीं करेगी तो मुझे को कुछ करना पड़ेगा, इसलिए बेटा इस कुछ का मतलब ये हुआ ना तो बहू ने कुछ किया होगा और ना ही हमने से कोई कुछ करने की सोच सकता था। बेटा तुम जानती हो उस परिवार को, वो परिवार ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा जिससे रिश्तों में आंच आए। अगर कोई बात थी तो हमसे कहती बेटा, हम कोशिश करते इस मसले को हल करने की, बात यहाँ तक बढ़ती ही नहीं। बात इतनी बढ़ गई थी तभी तो मुझे वहां जाना पड़ा। नंदिनी कोई बात नहीं बड़ी थी, माँ ने राजश्री आंटी के बारे में कहा और आप चली गई। जैसे बचपन में दो बच्चों की लड़ाई में माँ शिकायतें लेके पहुंच जाती है। नंदिनी अब ये बच्चे इतने छोटे नहीं रह गए, इनकी बात इन्हीं से करनी पड़ेगी, और अगर आप इनको बांध के रखेंगी ना तो दूर चले जाएंगे। और जो आज आपने और माँ ने मिलकर साथ में किया है ना, उससे ना सिर्फ बच्चों के साथ बल्कि अक्षरा भाभी के मायके वालों के साथ भी रिश्ते बिगड़ जाएंगे। गलती एक करेगा भुगतेंगे 20। आप सब लोग मुझे को दोष दे रहे हैं लेकिन मेरी स्थिति कोई नहीं समझ सकता। नंदिनी हम समझते हैं तभी आपको समझा रहे हैं, जैसा आपने किया है ना वैसे तो आप अपने बच्चे को पाने की बजाय उसे खो देंगे। जमाई साहब हम चलते हैं। राधे कृष्ण अब ज्यादा दूर कहां जाना नंदिनी, अपने घर वालों से सीख सकते हैं, उनको रिश्तों की कितनी कदर है। एक बहू के मायके वालों के लिए एक बेटी के ससुराल आके बात करके गए, नई सोच है, वो रिश्ता निभाना जानते हैं। नंदिनी What are you saying, dude? इतना तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। I don't get this. इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा है नानी के लिए, लेकिन I swear, मुझे खुद भी नहीं पता था, मैंने खुद भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मैंने किया था। I mean, come on यार guys, बिना किसी opposition के, you really think कोई भी love story आगे बढ़ी है? So just chill, तुम्हारी love story एकदम सही track पे चल रही है। यश तू बुआ फूफा जी से बात क्यों नहीं कर लेता? हाँ और अपनी दादी के सामने नहीं, you know her, right? या और अगर तुम नहीं कर सकते तो let me know, मैं समझाने की कोशिश करूंगी उन्हें। उसकी जरूरत नहीं है फाइटर प्लेन, यश मैनेज कर लेगा। मोहित फूफा जी बहुत कूल है, वो सबको मना लेंगे, मैं तो अपनी बारी भी उन्हीं के पास जाने वाला हूँ। मेरी बीवी कहती है कि मसाज करने से ना टेंशन दूर हो जाती है, वो भी यही करती है जब मैं परेशान होता हूं। सच में थैंक्स नैतिक। मेरी माँ से भी बात हुई अक्षरा, कुछ कहा उन्होंने? माँ कहाँ कुछ कहती हैं, बस चुपचाप सब कुछ सुन लेती हैं।
कुछ कहा नहीं उन्होंने, जताया कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ वो हर्ट हुई। हाँ नैतिक, हालांकि सबने बहुत कंट्रोल किया, अब रुक्मिणी आंटी ने इतना सब कुछ बोल दिया और इस तरह से बात की, ऐसा सोचा नहीं था। उनकी जगह कोई और होता ना तो। अच्छा मैं समझता हूँ, ये तो हमारा परिवार ही जिसने रिश्तों का मान रखा और पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, वरना कोई और होता ना तो छोड़ता नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।